नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर से है. इसमें दो कैपेसिटर दिए गए हैं. देयर आर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी चार्ज विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट सर्किट्स एज शोन इन फिगर, है ना. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो सर्किट दिखाया गया है. तो ये कैपेसिटर ए है और वो बी है. दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया. मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इसको हम लोग वी ले लेते हैं. तो मैक्सिमम चार्ज इस पर आया होगा, वो आया होगा सी इंटू वी. इस पर भी आया होगा सी इंटू वी शुरू में, ठीक. उसके बाद कहा गया कि ये टी इज इक्वल टू जीरो पर वैसा है. इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर्स ए एंड बी एट टाइम टी इज इक्वल टू सी आर, सी आर का मतलब हो गया टाइम कॉन्स्टेंट है. तो एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद ए पर चार्ज है क्यू ए और बी पर चार्ज है क्यू बी रेस्पेक्टिवली, है ना. इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर्स ए एंड बी एट टाइम टी इज इक्वल टू सी आर इज क्यू ए एंड क्यू बी रेस्पेक्टिवली, देन क्यू ए और क्यू बी का यहां पर वैल्यू बताया गया है, ठीक. तो देखेंगे इन दोनों सर्किट में एक एक डायोड जोड़े गए हैं, ठीक. तो अगर ये जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव प्लेट इधर निगेटिव इधर, तो अगर इसमें करंट फ्लो करता तो कैसे फ्लो करता, एंटी क्लॉकवाइज, हायर पोटेंशियल से लो ऐसे फ्लो करता. लेकिन इस केस में ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया. रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब इस केस में करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं. अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस पर जो चार्ज होगा किसी भी इंस्टेंट पर वो सी वी बना रहेगा, ठीक. इस पर आते हैं. इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है क्योंकि इसमें जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा. इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो माना जाता है फॉरवर्ड बायस्ड में. तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट वाला, क्यू इज इक्वल टू सी वी जो मैक्सिमम चार्ज है इंटू ई पावर माइनस टी बाई टॉ. टॉ क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता है. अब खास बात ये है कि यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो भी टॉ के बराबर ही है. ये आर सी के बराबर दिया गया है, टाइम कॉन्स्टेंट भी आर सी के बराबर होता है. तो ये हो गया सी वी डिवाइडेड बाई ई, ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर बी, ठीक. तो क्यू बी का वैल्यू ये आ गया सी वी बाई ई और क्यू ए का वैल्यू आ गया सी वी. देखेंगे जो पहला ऑप्शन है इसमें ऐसे आई दिया है, क्यू ए जो है वो सी वी को वी सी लिखा हुआ है और क्यू बी को वी सी बाई ई लिखा है ना. तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया.